और अगली बड़ी खबर गुरुग्राम से आ रही है, जहां से फिर से टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। दरिया पार जाकर सीलिंग और तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया है। एनजीटी के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। एक फार्म हाउस सील कर दिया गया है और चार हट भी तोड़े गए हैं। आपको बता दें कि 17 अवैध हट तोड़े गए हैं। दमदमा झील पर सिंगर मीका सिंह का फार्म हाउस भी सील किया जा चुका है। 30 नवंबर को कार्रवाई हुई थी, तो 30 नवंबर को जो कार्रवाई हुई थी उसमें मीका सिंह का फार्म हाउस सील कर दिया गया था। इसके अलावा दलेर मेहंदी का फार्म हाउस भी सील कर दिया गया था। और फिलहाल जो हमारे पास खबर आ रही है, अभी अपडेट जो आ रहा है वो ये है कि सोना में फिर से टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के तहत दरिया पार जाकर सीलिंग और तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया। एनजीटी के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है और इसमें एक फार्म हाउस सील किया गया है, चार को तोड़ा गया है और 17 अवैध हट भी तोड़ दिए गए हैं। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर दमदमा झील के पास, हम आपको बता दें कि इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 17 अवैध हट पर भी एक्शन हुआ है, 17 अवैध हट भी तोड़ दिए गए हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दमदमा झील की, जहां पर ये कार्रवाई हुई है। एनजीटी के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। सिंगर मीका सिंह का फार्म हाउस आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं, जहां पर उसे सील किया जा रहा है। तो अवैध तरीके से ये फार्म हाउस बनाए गए हैं और जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है। नीरज अंबावता हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुका है इस वक्त फोन लाइन पर इसी खबर पर। नीरज, आपसे जाना चाहेंगे, फिलहाल आपके पास क्या अपडेट आ रहा है? नीरज, मेरी आवाज मिल पा रही है? तो दमदमा लेक पर ये एनजीटी की तरफ से बड़ी कार्रवाई, एनजीटी के आदेश पर तोड़फोड़ की गई और 17 अवैध हट पर एक्शन लिया गया। 17 अवैध हट भी तोड़ दिए गए। इसके अलावा कुछ घरों पर भी पीला पंजा चला है। सिंगर मीका सिंह का घर भी सील कर दिया गया था। तो कुछ दिन पहले जब बड़ी कार्रवाई हुई थी, 30 नवंबर का वो दिन था जब सिंगर मीका सिंह के फार्म हाउस को भी सील कर दिया गया था। एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे संवाददाता नीरज अंबावता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि कल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने एक फार्म हाउस को सील किया है, जबकि चार फार्म हाउस को तोड़ा है। तो वहीं 17 हट जो बनाए गए थे उनको भी तोड़ा है। और आपको बता दें कि ये जो है दमदमा झील सोहना की है, उसके पार कुछ अरावली की तलहटी और अरावली रेंज के उसमें बनाए गए थे। और एनजीटी के आदेश थे कि अरावली की रेंज में जितनी भी जमीन है उसमें किसी भी तरह का अवैध निर्माण नहीं होगा, लेकिन यहाँ लगातार फार्म हाउस बनाए जा रहे थे। और इनमें से 29 नवंबर को एक फार्म हाउस था जो कि सिंगर मिक्का का था, उसको भी सील किया गया था। हालांकि यहाँ अगर दिक्कत की बात करें तो दमदमा झील है और उसमें नाव के जरिए फार्म हाउस तक पहुंचा जाता है। और बताया जाता है कि यहाँ अक्सर वीकेंड पर पार्टी होती थी और यही दिक्कत जो है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को आ रही है कि चार ऐसे फार्म हाउस है जहां तक जेसीबी नहीं पहुंच सकती। और इसी को देखते हुए उन्होंने जो है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने इन चार फार्म हाउस को सील किया है, एक को कल जबकि तीन को 29 नवंबर को। और इसके आसपास जो चार फार्म हाउस और हैं उनको जो है तोड़फोड़ किया है। और साथ ही साथ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने हिदायत दी है कि अगर अरावली की रेंज में किसी भी तरह का अवैध निर्माण होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसी तरह की जो है वहाँ लगातार कार्रवाई टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग करेगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज, फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए।